मेरे मस्तिष्क में इससे अनेक विचार आने लगे। मैंने सोचा कि क्या शरणार्थियों ने प्रसन्नता से इन मस्जिदों में डेरे डाले थे? नहीं, नहीं, गांधी को भी उन स्थितियों का पूरा पता था जिनसे बाध्य होकर उन्हें अपने घर छोड़कर इन मस्जिदों की शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तान में एक भी मंदिर या गुरुद्वारा सुरक्षित नहीं रहा। शरणार्थियों ने अपनी आंखों से देखा था कि किस प्रकार मुसलमानों ने केवल हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों को अपवित्र किया। जो हिंदू शरणार्थी दिल्ली शरण लेने के लिए आए थे, उन्हें यहाँ कोई स्थान नहीं मिला। नाथुराम गोडसे जी, आपसे सवाल ये है कि जब मस्जिदों से हिंदुओं को खाली कराया गया, तो महात्मा गांधी और वहां उनकी सरकार थी, उन्होंने उनके रहने का कोई इंतजाम तो किया होगा ना? गांधी जी ने यह निश्चय किया कि मस्जिदों को खाली कराया जाए, वहां उनके रहने का दूसरा प्रबंध क्यों नहीं कराया? उन्होंने पाकिस्तान के मंदिर हिंदुओं को सौंपने की मांग क्यों नहीं की? जिससे पता चलता कि गांधी वस्तुतः अहिंसा के पुजारी है, हिंदू मुस्लिम एकता के इच्छुक है और उनमें निष्पक्ष आत्मशक्ति है। गांधी ने पूरी चालाकी की और अपने अनशन को खोलने के लिए पाकिस्तान के लिए एक भी शर्त न रखी। यदि वे रखते तो संसार देखता कि गांधी जी अनशन करते हुए स्वर्ग सिधार जाते और पाकिस्तान के एक भी मुसलमान को लेश मात्र दुख न होता। उन्होंने अपने अनुभव से देख लिया था कि उनके व्रत का जिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लीग उनकी आत्मशक्ति की परवाह नहीं करती। अंत में यह कहना अनुचित न होगा कि गांधी के फूल यानी अस्थि भारत और विदेशों की बहुत सी नदियों में बहाए गए, परंतु ये अस्थि पाकिस्तान की सिंधु नदी में नहीं बहाई जा सकी। इस संबंध में पाकिस्तान में भारत के राजदूत श्रीयुत श्री प्रकाश जी का प्रयत्न निष्फल रहा। भाई लोग, गांधी जी की हत्या तो कर दी नाथुराम गोडसे ने, उसके बाद उनकी अस्थियों को भारत के सभी नदियों में और बाहर के देशों के भी नदियों में बहाया गया, लेकिन गांधी जी की अस्थियां पाकिस्तान की सिंधु नदी में नहीं बहाया गया क्योंकि उसकी इजाज़त नहीं दी गई। बहुत कोशिश की गई। जीते जी गांधी जी इस बात को समझ लेते हैं कि उनसे कितना नफरत करते हैं जिन्ना और उसका देश, तो वो हिंदुओं को शायद हाशिए पे नहीं रखते। अच्छा नाथुराम गोडसे जी, एक सवाल है, इसका जवाब आपको तरीके से देना पड़ेगा कि आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद वो 55 करोड़ का क्या मसला था, क्या विवाद था? भारत सरकार ने गांधी जी के अनशन के कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए न देने का अपना निर्णय बदल दिया। गांधी जी का 21 जनवरी 1948 का प्रार्थना प्रवचन देखिए। सरकार ने 55 करोड़ रुपए न देने का निर्णय जनता के प्रतिनिधि होने के नाते किया था, लेकिन गांधी जी के अनशन ने इस निर्णय को बदल दिया। तब मुझे ये ज्ञात हुआ कि गांधी जी की पाकिस्तान परस्ती के आगे जनता के मत का कोई महत्व नहीं है। अपने प्रतिवृत्त के पहले खंड के पृष्ठ 143 पर न्यायमूर्ति कपूर ने उस समय वृत्त पत्रों में छपी प्रक्रिया का एक उदाहरण दिया है। अनुच्छेद 12A 45 इस प्रकार है। बंबई के साप्ताहिक नेशनल गार्डियन ने अपने 17 जनवरी 1947 के अंक में नेहरू शासन से हिंदुस्तान की घोर वंचना, पाकिस्तान धौंस से जो पा न सका वो गांधी जी के हट्टाग्रह से पा सका, इस शीर्षक के नीचे दिया था, अपने राष्ट्रीय जनों का जिससे नरसंहार होगा वो पैसे देने का कृत्य हम नहीं करेंगे। ऐसी गर्जना चल रही थी और सरदार वल्लभ भाई के धौंस को और दबाव में भीख नहीं डालेंगे, ऐसे वीरत्व के शब्द सुनने में आते थे। इतने में ही गांधी ने अनशन करके पाकिस्तान को करोड़ों रुपए देने को नेहरू शासन को बाध्य किया। 55 करोड़ प्रदान की स्वीकृति से लोग कैसे प्रक्षुब्ध थे, इसका ये उदाहरण है। मुसलमानों ने
स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया, इसीलिए पाकिस्तान बना। जिन्होंने पाकिस्तान का पक्ष लिया उनको पांचवें स्तंभ भी कहा गया है, उनकी निंदा की गई है। परंतु मेरी दृष्टि में गांधी जी ने पाकिस्तान का पक्ष सबसे अधिक लिया और कोई शक्ति उनको रोक नहीं सके। इस स्थिति में हिंदुओं को मुसलमानों के अत्याचारों से बचाने का एक ही उपाय था कि गांधी का अंत कर दिया जाए। अच्छा नाथूराम जी, आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत थे, सबसे बड़ी शक्ति थे, और उनके खिलाफ उनके विरोध में सरकार भी नहीं जा सकती थी? गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाते हैं, जो अत्यंत सम्मान का पद है, पर वे पिता का कर्तव्य पालन करने में असफल रहे। उन्होंने तो बड़ी निर्दयता से राष्ट्र के दो टुकड़े कर दिए। यदि वे सच्ची आत्मा से पाकिस्तान का विरोध करते तो लीग कभी भी इतनी सुदृढ़ता से ये मांग न रख पाती और अंग्रेज पूर्ण प्रयत्न करके भी इसे न बना पाते। देश की जनता पाकिस्तान बनाने की घोर विरोधी थी, पर गांधी जी ने जनता को धोखा दिया और मुसलमानों के पाकिस्तान का पिता सिद्ध किया है। इसलिए मैंने भारत माता का एक पुत्र होने के नाते अपना कर्तव्य समझा कि ऐसे व्यक्ति का अंत कर दिया जाए। नाथूराम जी, आप बंटवारे का दोषी महात्मा गांधी को मानते रहे, पाकिस्तान परस्त मानते रहे, हिंदू विरोधी मानते रहे, और आपने कहा कि ये जो हैदराबाद आज पूरी अच्छी तरीके से भारत का एक भाग है, वो तब संभव हुआ जब आपने गांधी की हत्या कर दी। गांधी रहते तो ये संभव नहीं होता। नाथूराम गोडसे जी, आपसे सवाल ये है कि अगर गांधी होते तो क्या करते हैदराबाद को लेके, आप क्या सोचते हैं? हैदराबाद की समस्या का भी यही इतिहास है। निजाम के मंत्रियों एवं रजाकारों ने जो अत्याचार हिंदुओं पर किए उनका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। वहां के प्रधानमंत्री लायक अली जनवरी 1948 के अंतिम सप्ताह में गांधी जी से मिले थे। शीघ्र ही पता लग गया कि गांधी जी का व्यवहार इस विषय में भी विचित्र है। जिस प्रकार उन्होंने सुरावर्दी को अपनाया था, उसी प्रकार कासिम रिजवी को भी दत्तक पुत्र समझकर व्यवहार करेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट था। जब तक गांधी जी जीवित थे तब तक सरकार हैदराबाद के विरुद्ध कुछ न कर सकी, यद्यपि वो पूर्ण अधिकार और शक्ति संपन्न थी। यदि गांधी जी के जीवन में ही भारत सरकार हैदराबाद में सेना या पुलिस की कोई कार्रवाई करने का निश्चय करती तो गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर सरकार को अपने निश्चय बदलने पर बाध्य कर देते। जिस प्रकार 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को न देने का निर्णय वापस लेना पड़ा था, जब गांधी जी अनशन ठान लेते तो उनको बचाने के लिए सरकार को उनकी इच्छानुसार चलना पड़ता। आप ये बताइए कि आप गांधी जी की अहिंसा को किस रूप में देखते रहे? कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी को मुसलमानों ने निर्दयता से मार दिया था। गांधी जी उनका उदाहरण देकर कहते थे कि इस प्रकार अहिंसा पर चलकर अपना बलिदान कर देना चाहिए। मेरा विश्वास है ये अहिंसा यानी नपुंसकत्व देश को नष्ट कर देगी और पाकिस्तान भारत पर अधिपत्य जमा लेगा। मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि यदि मैं गांधी जी का वध करूंगा तो मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करेंगे, मेरा सम्मान जो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है नष्ट हो जाएगा। किंतु साथ में मैं ये भी जानता था कि गांधी जी सदा के लिए विदा हो जाएंगे तो देश की राजनीति में शस्त्र प्रयोग और प्रतिकारात्मक कार्यवाही को स्थान मिलेगा, देश शक्तिशाली होगा। मैं अवश्य मरूंगा किंतु देश अत्याचारों से मुक्त होगा। सब मुझे मूर्ख कहेंगे पर देश ऐसे मार्ग पर चलेगा जो उचित होगा।
यही सोचकर मैंने गांधी जी का अंत करने की ठानी। क्या आपने किसी को जानकारी दी थी कि आप गांधी का वध करने वाले हैं? मैंने अपना निर्णय किसी को नहीं बताया। 30 जनवरी 1948 के दिन मैंने गांधी जी का वध किया। मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं पाप मानता हूं, मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूं। मुझे विश्वास है यदि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय से ऊपर कोई और न्यायालय होगा तो उसमें मेरे कार्य को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया है। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए और हिंदू नष्ट हुए। वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात मैं अनासक्त जीवन बिता रहा हूं। मेरे लिए संतोष का विषय है कि मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। हैदराबाद की समस्या में अकारण देर हो रही थी। सरकार ने गांधी जी के मृत्यु के बाद शस्त्र शक्ति से इस समस्या को ठीक रूप से सुलझा दिया है। भारत की आधुनिक राजनीति और सरकार अभी तक तो ठीक प्रकार से चलती हुई जान पड़ रही है। गृहमंत्री ने कहा है कि देश के पास प्रचुर युद्ध सामग्री होनी चाहिए। ऐसा विचार प्रकट करते हुए उन्होंने ये नहीं कहा कि वे गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर ये सब कुछ करेंगे। यदि वे ऐसा कहें तो केवल अपने मन के संतोष के लिए कहेंगे। ये याद रखना चाहिए कि यदि आधुनिक शस्त्रों का प्रयोग करके ये कहा जाए कि गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत पर चला जा रहा है तो हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल या रूजवेल्ट के देश रक्षा के ढंग और गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत में कोई भेद नहीं रह जाएगा। बहुत बड़ी बात है गोडसे जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो तानाशाह हुए हैं दुनिया के, उन्होंने जिस कारण से, जिस हिंसा से लोगों का नरसंहार किया, वही नरसंहार गांधी की अहिंसा से हुई। तो जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को नहीं है। गांधी जी ने देश को छल कर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसीलिए मैंने गांधी को गोली मारी। उनको दंड देने का केवल यही एक तरीका रह गया था। यदि मैं यह न करता तो मेरे लिए अच्छा ही होता, परंतु स्थिति बहुत खराब हो गई थी और मेरे हृदय में इतना अधिक क्षोभ था कि मैंने सोचा कि गांधी जी को स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मरने देना चाहिए। संसार को पता लग जाए कि इस व्यक्ति ने अन्यायपूर्वक राष्ट्र के साथ छल करके भयानक रूप से देश के एक संप्रदाय का जो पक्ष लिया है उसका दंड भोगना पड़ा। मैंने इस समस्या का अंत इसी प्रकार करना चाहा, क्योंकि इसी से लाखों निर्दोष हिंदुओं का जीवन बच सकता था। गांधी जी की जो अहम्मय प्रवृत्ति इस पवित्र भूमि के पुत्रों के लिए घातक सिद्ध हुई, उसके लिए भगवान उन्हें क्षमा करे। मैं किसी प्रकार की दया नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। इस अभियोग में बहुत से मनुष्यों को मेरे साथ इस अपराध में ले लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने षड्यंत्र रचा। इस विषय में मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस कार्य में मेरा कोई साथी नहीं था। स्वयं मैं और केवल मैं ही इसका उत्तरदायी हूं कि जो वक्तव्य मैंने दिया है वो सत्य और शुद्ध है। प्रत्येक बात संदर्भ ग्रंथों को देखकर तैयार की गई है। आलोचनाओं के बावजूद भी मैंने जो कृत्य किया उसके नैतिक पक्ष पर
मेरी आत्मा कभी विचलित नहीं हुई। मुझे किंचित भी संदेह नहीं कि भविष्य में सच्चाई और ईमानदारी से इतिहास के इस अध्याय को इतिहासकार लिखेंगे तो वे मेरे कार्यों और उसके परिणाम का सही मूल्यांकन करेंगे। अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम। आप लोगों को ये बता दूं कि ये सारी बातें नाथूराम गोडसे जी ने 8 नवंबर 1948 को अदालत में रिकॉर्ड किया था। 15 नवंबर 1949 को सवेरे 8 बजे उन्हें नारायण आपटे के साथ फांसी दे दिया गया। जब फांसी स्थल पर आ रहे थे नारायण आपटे के साथ नाथूराम गोडसे, तो राष्ट्रगान गाते हुए आ रहे थे, नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। और ठीक फांसी से कुछ सेकंड पहले उन्होंने नारा बुलंद किया था, अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।